डोनाल्ड डॉन बन गया। ईरानी जनरल पर हमले के हवाले से ना कांग्रेस से मशवरा लिया ना ही इत्तेहादियों से, झटपट फैसले पर एक्शन ले लिया। कांग्रेस ने ईरानी कमांडर हमले पर एतराजात उठा दिए। दूसरी जानिब सऊदी अरब और बरतानिया ने भी मुशावरत ना करने का शिकवा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने करारा जवाब देते हुए कहा, ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं, बयानात ही नोटिफिकेशन है। नेटो हुकाम के मुताबिक ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर बुलाया गया हंगामी इजलास कल ब्रसेल्स में होगा, जिसमें नेटो ममालिक के सफीर शिरकत करेंगे और मशरिक़ वुस्ता में पैदा कशीदा सूरतेहाल पर गौर किया जाएगा। दूसरी तरफ बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी पर इल्जाम की बारिश कर दी। बोरिस जॉनसन का कहना है कि जनरल सुलेमानी खत्ते को गैर मुस्तहकम करने का जिम्मेदार था, उनके कत्ल पर अफसोस नहीं करेंगे। बरतानवी वजीर आजम का कहना है कि जनरल सुलेमानी से हमारे तमाम मफादात को खतरा लाहक था। ईरानी कमांडर का शहरियों और मगरबी अहलकारों की मौत में मरकजी किरदार था। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के ऐलानात खत्ते में मजीद तशद्दुद का बायस बनेंगे। गुज़िश्ता रोज बरतानिया ने दो जंगी बहरी बेड़े खलीज फॉरेस्ट में रवाना किए, जो अब नए हमस से ऑयल टैंकर और बरतानवी शहरियों को निकालेंगे।